टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। महेश इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। महाराष्ट्र के पंढरपुर में बीजेपी नेता को शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे का अपमान करना भारी पड़ गया। शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने इस बीजेपी नेता के चेहरे पर कालिक पोत दी। बीजेपी के जिस नेता के चेहरे पर कालिक पोती गई है उस नेता का नाम शिरीष कटेकर है। शिवसेना कार्यकर्ताओं का आरोप है कि शिरीष कटेकर ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की आलोचना की। बीजेपी नेता शिरीष कटेकर जो जिला उपाध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं। बीजेपी कार्यकर्ता बिजली बिल की बढ़ोतरी के खिलाफ 5 फरवरी को विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। बीजेपी का पूरे राज्य में विरोध प्रदर्शन हो रहा था। MSEDCL के दफ्तर का घेराव कर रहे थे बीजेपी कार्यकर्ता और इसी में शामिल शिरीष कटेकर भी थे। बीजेपी के आंदोलन में सीएम उद्धव ठाकरे का अपमान करने पर शिवसेना कार्यकर्ता आक्रामक हो गए और शिरीष कटेकर पर कालिख पोत दी गई। वहीं बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने भी शिवसेना कार्यकर्ताओं को आड़े हाथों लेते हुए क्या कुछ कहा है सुनिए। महाराष्ट्र के पंढरपुर में उद्धव ठाकरे साहब के शिवसेना का गुंडा उन्हें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने मुख्यमंत्री की कार्यशैली की टीका की तो उनके ऊपर वार किया, हल्ला किया, मारपीट की। 3 दिन पहले बदलापुर में बीजेपी की जीत हुई तो 4 लोगों के मारने का, हत्या करने का प्रयास शिवसेना के गुंडाओं ने किया। मुख्यमंत्री दास, आपके शिवसेना के गुंडाओं के इस प्रकार की दादागिरी महाराष्ट्र सहन नहीं करेगा। और शरद पवार साहब, गृह मंत्री महाराष्ट्र का अनिल देशमुख साहब, आप इसका समर्थन करोगे? बहरहाल ये कोई पहला मामला नहीं है। इसके पहले भी शिवसेना कार्यकर्ता अपने विरोधियों के बाल मुड़वा चुके हैं और अब कालिक पोतने की घटना भी सामने आ चुकी है। तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।